हेलो फ्रेंड्स वी हैव अ बिग न्यूज फ्रॉम मुंबई टुडे एंड नाउ फॉर्मर महाराष्ट्र एक्सपोज़र नवाब मलिक एंड संजय राउत सो फ्रेंड्स लेट लेटर सी व्हाट देवेंद्र फडनविस सेड आज मुंबई पुलिस की ओर से एक टीम मेरे पास आई थी 30 मई 2021 को महाराष्ट्र में हुए तबादले घोटाले के कागजातों को मैंने केंद्रीय गृह सचिव को सौंपा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कवरिंग लेटर दिखाते हुए बताया था ये सारा सेंसेटिव मटेरियल मेरे पास है महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए का तबादला घोटाला हुआ है और इसके कागजात मैं केंद्रीय गृह सचिव जी को सौंप रहा हूं उसी दिन मैंने उनको सौंपा था उसके बाद उससे बौखलाई हुई सरकार ने एक गुना दाखिल किया कि कागज बाहर कैसे गए और उस सिलसिले में आज मेरे पास मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने टीम आई थी मैंने उस टीम को सारा जवाब दिया है इससे पहले उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन आर भेजा था लेकिन आज जो टीम आई थी उसने उस क्वेश्चन आयर की जगह जो क्वेश्चन आयर बिल्कुल एक साक्षी की तरह था उसकी जगह एक ऐसे क्वेश्चन आयर को लेकर वो आए थे कि जिसमें उनका मंसूबा मानो मैंने ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया हो और मैं ही आरोपी हूं इस प्रकार के सवाल मुझसे पूछे गए लेकिन मैंने सारे सवालों का जवाब दिया है और मैंने उनको साफ बताया है कि मैंने कागजात ये प्रेस को नहीं दिया मैंने प्रेस में अनाउंस करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिए है राज्य सरकार के पास छह महीने तक घोटाले के रिपोर्ट था उसको दबाकर राज्य सरकार बैठी थी मैंने उस रिपोर्ट को बाहर निकाला तो बाहर निकालने के बाद मैं उसको राज्य सरकार को तो सौंप नहीं सकता था क्योंकि वही घोटाले पास थे इसलिए और चूंकि उसमें आईपीएस अधिकारियों के नाम थे और आईपीएस अधिकारियों की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यह केंद्रीय गृह सचिव है इसलिए मैंने सारी चीजें केंद्रीय गृह सचिव को सौंपी और इसलिए इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का का नहीं आता उल्टा मैं तो विपक्ष का नेता हूं मुझे तो प्रोटेक्शन है ही बावजूद उसे एक सामान्य नागरिक के तौर पर भी विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मैं विसल ब्लोअर हूं मैंने विसल ब्लो की है इस घोटाले के ऊपर जिसमें करोड़ों रुपए तबादले के लिए लिए गए और मैंने उनको ये भी कहा कि अगर सरकार को या पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाहर गए हैं तो उन्होंने कार्रवाई मंत्री नवाब मलिक पर करनी चाहिए क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट जो मैंने केंद्रीय गृह सचिव को सौंपी थी उनको पत्रकारों को उसी दिन देने वाले मंत्री नवाब मलिक थे और उनके साथ एक और दो मंत्री थे इसलिए मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में सारी चीजों का जवाब दिया है मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार की बातें मैं लगातार सदन में उठा रहा हूं जिस प्रकार से सरकार के मंत्री की दाऊद के गुर्गों के साथ हिस्सेदारी मैंने दिखाई जिस प्रकार से सरकार के विपक्ष को केसेस में फंसाने के षड्यंत्र को मैंने ध्वस्त किया इससे बोखलाई हुई सरकार ये मानती है कि इस प्रकार का नोटिस देकर मुझे दबाव में वो ला सकेगी मैं तो जनता का काम कर रहा हूं मैं तो भ्रष्टाचार को बाहर निकाल रहा हूं मैं किसी भी दबाव में आने वाला नहीं हूं मैं ये काम करता ही रहूंगा ये काम जारी रहेगा संजय राउत का ये ट्वीट करके उन्होंने थोड़ी देर पहले ही कहा है कि राज्य सरकार जब इस मामले की जांच कर रही है कानून के लिए सब कोई बराबर है तो पूछताछ करने के लिए कुछ नेताओं से संपर्क किया जा रहा है तो डर क्यों रहे हैं सच बताने के लिए नहीं। मैं उनको ही पूछना चाहता हूँ मैंने तो खुले मन से बोला की मैं जाने को तैयार हूँ संजय राउत रोज डर डर कर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते रोज केंद्रीय एजेंसी पर आरोप करते तो मुझे ऐसा लगता मैंने तो कहा कि मैं आने को तैयार हूँ बुलाओ जहाँ बुलाना चाहते हो उनमें है हिम्मत है बोलने की नहीं है वो तो प्रेस करते मुझे क्यों बुलाया मुझे क्यों बुलाया मुझे क्यों बुलाया ऐसा रोज बोलते हैं So, friends, what are your views on this? Please let me know in the comment box. Till then, stay connected for more updates. Thank you.